भाई टॉक शुरू करें तो माल आपके पास है चले चले की बारी उस तरफ आए ना लेकिन जब तक बाहर नहीं आएंगे ना ये नहीं सदा निकालना है। मैम आज एक बहुत बड़ा फैसला आया, क्या कहेंगे? मौजूद है मैम, क्या कहेंगी कि साइफर केस का फैसला बिल आखिर आ चुका है? ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए ये एक इमरान खान से सीख है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा और सुख हो के निकलूंगा डील के तहत। तो आज ये आपके सामने है कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आपने गद्दार कहा था, अब सोचे सारी दुनिया में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। कौन अपने प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहते हैं? ठीक है, तो जजेस के ऊपर भी इस केस को और मजीद लटकाने का कोई जवाब नहीं था। क्या कर रहे हो? तो जजेस ने अल्लाह का शुक्र है उन्होंने फैसला भी दे दिया। उनको ये भी समझ आ गई कि इस केस को इतना लटका नहीं सकते। और प्रोसिक्यूशन की तरफ से दो लॉयर आए हैं ना, माशाल्लाह जो वो बात करते थे वो अब मैं क्या कह सकती हूँ, वो एक और गढ़ा खोद लेते थे और एंड में जाके बेचारे प्रोसिक्यूटर्स ही अंदर गिर गए क्योंकि जज फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम अपना केस बनाओ। वो इतना कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे जो प्रोसिक्यूशन वाले, क्योंकि इतना अहमकाना केस था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे डिफेंड करें। और ये दाग आपको देनी चाहिए राणा सनाउल्लाह को जिन्होंने ये केस बनाया था। और राणा सनाउल्लाह इस वक्त मदद कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर और गद्दारी के केसेस बनाने के लिए। तो ये जितने केसेस बनाएंगे याद रखें वो पाकिस्तान उस चीज़ के बारे में, गद्दारी के बारे में सीखेगा। अब 1971 के बारे में ये केस बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है, बोल दें। इमरान खान तो बड़े खुश थे, कहते हैं बहुत अच्छा है, मेरी कौम अब 1971 के बारे में सीखेगी ताकि हम ये दोबारा गलतियां ना करें। तो इमरान खान इस चीज़ से बिल्कुल घबरा नहीं रहे। कितने केसेस रह गए हैं खान साहब के ऊपर, कब तक? देखें ये वाला जो था एक गद्दारी का केस, ये पहला वाला था 2 साल पहले से जो इन्होंने केस तो बाद में किया, लेकिन ये पहला केस था। फिर इन्होंने इद्दत का केस बनाया हुआ, फिर अल कादर बनाया हुआ, ये 3 मेन केस हैं। और तोशाखाना केस, तोशाखाना में सस्पेंड हो गई है इनकी सेंटेंस, या क्या कहते हैं उसको, सजा मुअत्तल, सजा मुअत्तल। अच्छा अच्छा वो है, तो अब क्या रह गया? इद्दत। अब आप सोच लें कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म के केसेस बना रहे हैं, ये खुद जोकर लग रहे हैं। आप जोकर, अब हम कैसे अब सीरियसली इसके ऊपर बात करें? ये मजाक लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पेचीदा केस था, कोई केस पेचीदा नहीं है ये, लेकिन जो करने वाले हैं वो अपना मजाक बना रहे हैं। और ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये मोहसिन नकवी, इनके बेचारे अपने आप की इनकी जान निकली हुई, अपने आप को सोच रहे हैं हमारी सियासत तो ये खैर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए बैठे हुए हैं। कितनी देर बैठ जाएंगे? हम भी यहाँ खड़े हैं, ये सोच लें इंशाल्लाह हम यहाँ खड़े रहेंगे, हम हर केस जाएंगे, हम अड्याला, अगर इन्होंने और केसेस बनाए हम जाके अड्याला के बाहर बैठ जाएंगे, रिलीज रिहा कर अल्लाह। मैम शॉर्टली ये बताइएगा कि खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन आपको नज़र आ रही है? अब देखिए आज एक इद्दत रह गया, फिर अल कादर तैयार करके पका रहे हैं उसको ताकि उसके अंदर अंदर कर दें, वो भी अहमकाना केस है, उसके अंदर भी केस नहीं बनता। अगर ये 4-4 महीने जजेस ने यहाँ पे लगाने हैं एक मरे हुए केस को चला रहा है, इन्होंने जजेस ने 4 महीने चलाया मरे हुए केस को, तो पता नहीं अगला कितना मरा हुआ केस चलाने का इनका इरादा है। तो अब ये जजेस के ऊपर। बहुत शुक्रिया तेरे जाने साहब। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।